अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अब्दुलसमद खान। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और बेटा, जैसे कि आप लोगों को इस लेक्चर के टाइटल से नज़र आ रहा हो गया कि जहाँ हम लोग लॉग का चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, आज का लेक्चर नंबर 2 है इसका। और ये चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताई थी कि जो आप नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें कुछ नया टॉपिक हम लोग लॉग के चैप्टर के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर, ये जो आज हम लेक्चर कर रहे हैं, ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर को, और फिर इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इजी टॉपिक है, ठीक है, तो चला शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब नीचे ऐसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक लॉग की फॉर्म दी है, ठीक है, लॉग टू बेस 32 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1/5। हमें क्या करना है इसके अंदर, तीन वैल्यूज एज यूजल आपको पता है होती है, उनमें से एक इन सवाल में मिसिंग होगी, ठीक है, या तो बेस कभी मिस कर देगा, या फिर कभी नंबर या वैल्यू मिस कर देगा, या पावर एक्सपोनेंट मिस कर देगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, तरीका वही होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर लॉग की फॉर्म में गिवन है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का स्ट्रक्चर है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हमें अब करना क्या है, सिर्फ यहाँ से वैल्यूज़ को उठाना है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। तो लॉग के मुझे पता है नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो बेस होती है, दैट मीन्स 32 जो आ जाएगा बेस की जगह पर। इस तरीके से राइट साइड पे जो वैल्यू होती है इक्वल टू के साइन की, वो एक्सपोनेंट होती है या पावर होती है, तो एक्सपोनेंट की जगह पे आप -1/5 लिख देंगे। और राइट साइड पे वो वैल्यू आती है, ठीक है, या वो नंबर आता है जो कि हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है, दैट इज एक्स, ठीक। तो मैंने यहाँ से तीन वैल्यूज उठाई है, इस स्ट्रक्चर में रखा, एक स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर कैंसिलेशन। पावर कैंसिलेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें 32 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो वो किस तरीके से आ सकता है, जब हम उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम आप लोग बचपन से करते आ रहे हो बेटा, 32 हमें पता है 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो जब हम 32 का एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास 5 फैक्टर्स 2 के आएंगे, ठीक है। तो हम इसको 32 को यूँ लिख सकते हैं 2 raised to the power of 5, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब क्या है, देखो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनमें से एक पावर 5 है और एक पावर है -1/5, यानी कि यूँ समझो कि एक 5 न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो होगा क्या, ये 5 इस 5 को कर देगा कैंसिल, तो आपके पास जो 2 की पावर बचेगी ना बेटा, वो बचेगी सिर्फ -1, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव 1 पावर होती ना, तो मेरा आंसर यही होता, लेकिन एक रूल है मैथ्स का, वो आप जहन में रखना कि अगर कभी भी किसी बेस की पावर नेगेटिव आए ना, तो उस बेस को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है, और पावर पॉजिटिव हो जाती है, ये रूल है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस 2 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ना कि नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे चली आएगी, रिवर्स हो जाएगा, तो 2 के नीचे होगा 1, ठीक है, 1 डिनोमिनेटर में लाजमी होता है, लिखा नहीं जाता। तो अगर इसको रेसिप्रोकल आप करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2, और फिर इस 2 की पावर हो जाएगी -1 से +1, क्योंकि जब आप ये वैल्यू रेसिप्रोकल करोगे बेटा, तो उसका कोई इम्पैक्ट तो होगा ना, कुछ कोई तो चेंजिंग आएगी ना, वो इम्पैक्ट या चेंज इसमें ये पड़ता है कि जो पावर नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। और सिंपल, ये मेरे पास पावर पॉजिटिव पावर आ गई ना, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मैं दोबारा ज़रा आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ, ये है क्या, एक्स क्या है यहाँ पे 1/2 पे, ठीक है। तो ये आपसे बेसिकली कह रहा था कि अगर आप 32 पे -1/5 पावर अप्लाई करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1/2, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर अब आप देखो बेटा, यहाँ पे आपको इसने बेस अननोन कर दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग, ठीक है, लॉग टू द बेस ऑफ ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको भी अगर हम रीड करें तो कैसे करेंगे, ए के ऊपर अगर हम 1/2 पावर अप्लाई करें तो हमें 3 मिलेगा, यानी ए कोई नंबर है, यानी कि अगर हम उस नंबर पे 1/2 पावर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। अच्छा, हम इसको वर्बली बेटा कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। 1/2 देखो मुझे पता है स्क्वायर रूट की पावर होती है, ठीक है, तो ए के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, बेस के ऊपर पावर आती है ना, तो ए के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या, कोई ऐसी वैल्यू है ए जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है, ये मतलब है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिलेगा, तो कौन सी वैल्यू का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9, ठीक है। अब इसका ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, इसमें वही स्ट्रक्चर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, आपने लिया, आपने इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ए की जगह बेस आ गया, 1/2 जो है वो एक्सपोनेंट की जगह आ गया, और 3 नंबर की जगह पर आ गया एज यूजुअल। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पे कोई पावर नेगेटिव नहीं है, तो हमें सिंपल क्या करना है, इस पावर को कैंसिल कराना है। अब देखो पावर कैंसिल किस तरह से हो सकती है, उसका एक तरीका है, या तो इस वाली वैल्यू को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करके 3 पे दे दो, उससे होगा क्या, ये पावर वहाँ जाके पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, अगर आपको पावर कभी कैंसिल करानी हो ना बेटा, तो आपको करना क्या होगा कि उस वाली पावर को आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा दो, यानी देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है ना 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो
तो अगर मुझे टू कैंसिल कराना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, वन ऊपर आ गया टू नीचे चला गया, रेसिप्रोकल हो गया ना, इससे होगा ये टू और टू काट देंगे दूसरे को तो पावर सिर्फ वन बच जाएगी और वन पावर नहीं लिखी जाती, बात समझ में आ रही। तो यही क्यों चीज़ है बेटा हमें यहाँ करनी है, अगर वन ओवर टू है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टू ओवर वन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एज वी नो दैट वन ओवर टू इज एक्चुअली द पावर ऑफ अ स्क्वायर रूट एंड वी कैन कैंसिल द स्क्वायर रूट बाय स्क्वायरिंग, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सो वी हैव टू स्क्वायर द स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो ये चीज़ भी है, अगर वन अपॉन टू तो एक इतफाक़ की चीज़ है कि वो स्क्वायर रूट की पावर होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अगर ये केस ना हो तो फिर आप वो भी कर सकते हो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप वैल्यू ये जो पावर है इसको रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ भी अगर आप गौर करोगे तो रेसिप्रोकल ही हुआ हुआ है ना असल में ये, तो इससे होगा क्या, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये करना दोनों साइड पे आपको पड़ेगा, मैथ्स का रूल है अगर आप कोई चीज़ एक साइड पे करोगे तो दूसरी साइड पे भी आपको करना पड़ेगा, लेफ्ट पे करोगे राइट पे भी करना पड़ेगा, तो इससे होगा ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए पे पावर आ जाएगी वन, और सिंपली देखो थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, जो मैंने आपको अभी बताया था, बात समझ में, बस सिंपल ये काम करना बेटा इसके अंदर। अच्छा एग्जाम्पल नंबर थ्री में अब यहाँ पे तीसरी चीज़ देखो क्या कह रहा है, यहाँ से पावर अननोन कर दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 25 बेस की जगह आ गया वाई पावर की जगह और स्क्वायर रूट 5 आ गया है वैल्यू की जगह। अब बेटा देखो दो चीज़ें इसमें हमें करनी है, 25 का तो मुझे पता है मैं एलसीएम लूंगा ना तो 5 का स्क्वायर होता ही है, तो इसको तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर होगा और 2 पावर आएगी ना 5 पे और y पहले से है तो वो 2 और y मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 2y। अच्छा इसके अलावा अगर अंडर रूट की बात करें, जैसे मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था कि स्क्वायर रूट की पावर होती है बेटा 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटा एक नया रूल है, जहन में रखना इसको, यहाँ मैं लिख के भी दिखाऊंगा वैसे भी आप लोग इंशाल्लाह तो जहन में रखना, वो रूल ये है कि अगर कभी इक्वल टू की साइन के दोनों साइड्स पे बेसिस सेम हो, ठीक है, और बीच में इक्वल टू की साइन आ रही है, इसका मतलब है बेसिस इक्वल है, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बेटा आती है कि बेसिस इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे सेम बेसिस हैं बीच में इक्वालिटी की साइन है, तो रूल ये है कि आप बेसिस को स्किप करके उनकी पावर्स को सिर्फ ले लेते हो। देखो क्या लिखा है, नाउ वी हैव टू लर्न अ न्यू रूल इन सच केसेस, यानी कि अगर इस तरह के केसेस हैं बेसिस अगर इक्वल और सेम हो, जैसे 5-5 है दोनों साइड पे, When the bases are same and equal, their powers are also considered as equal or vice versa. Vice versa का मतलब होता है जो आपने स्टेटमेंट अभी बताई है ना उसका उलट भी ऐसे ही है, यानी अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल ली जाएंगी और अगर पावर्स सेम होंगी तो बेसिस इक्वल ली जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिस सेम है ना, मैं बेसिस को स्किप कर दूंगा सिर्फ इनकी पावर्स ले लूंगा और इनकी पावर देखो बेटा मेरे पास क्या आ रही है, 2y is equals to 1/2, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 2y थी राइट साइड पे 1/2 थी, ये रूल ध्यान में रखना। अब लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है और मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स रूल होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 अगर न्यूमरेटर में है तो वो राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, एक 2 पहले से मौजूद है और 2 आ गया, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और ये है आपका फाइनल आंसर। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ना कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के स्ट्रक्चर में रखो फिर वेरीफाई करके देख लो आया आपका आंसर सही आया या नहीं आया था। तो बेटा देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के चैप्टर से रिलेटेड, और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रीवियस लेक्चर से हेल्प मिलेगी, तो आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी, इजी लगा होगा ये टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग कोई नया टॉपिक इंशाल्लाह ताला लॉक का डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो टॉपिक भी पिछले लेक्चर से रिलेट करेगा, तो अच्छी तरीके से इन लेक्चर्स को समझना, प्रैक्टिस करना, खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना, आप लोग जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नेट से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करना और उनको सॉल्व करने की बेटा कोशिश करना, तो इंशाल्लाह जब ग्रिप इस पे आ जाएगी तो आगे के टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा फिलहाल इंशाल्लाह आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर इंशाल्लाह क्लोज कर रहा हूँ, फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तो टिल द नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, आप और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।